मेरा नाम अखिलेश है। कितना क्या मांगे हैं आपकी? केवल हमारी यही मांग है कि जो हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करा जाए, और हमें जो हमारी जो बहनों 64 बहनों को निकाला गया है उनको वापस लिया जाए। उनके निकालने से ही हमारे अंदर असंतोष हो गया है कि कहीं हमें भी बाहर कर दिया जाएगा, और ये हमारी डायरेक्टर महोदय ने बोला है कि वो हमें बाहर कर देंगी। इसी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। केवल हम कुछ नहीं चाहते, केवल हमें ये चीज़ है, ये आश्वासन दिया जाए कि हमें 60 साल तक हमारी नौकरी से वो बाहर नहीं करेंगे। कितने दिन हो गए आपको हड़ताल पर बैठे हुए? हमें 38 डेज हो चुके हैं। अभी तक दिल्ली सरकार से आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें अभी दिल्ली सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला है, और मैं सर जो है केजरीवाल सर से और सभी मुख्यमंत्री से, जिनसे हमें बहुत उम्मीदें थीं कि जिस कारण से हमने उनको वोट दिया था, उन्होंने हमसे यह कहा था कि हम ठेकेदारी को ख़त्म करेंगे। क्या सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इसी तरीके ख़त्म करेंगे कि जो ठेकेदारी पर लगे हुए लोगों को हटाकर ठेकेदारी क्या वो ख़त्म करेंगे? हम 7-7 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं और आज हम रोड पर बैठे हैं। आगामी योजना क्या रहेगी आपके धरने प्रदर्शन को लेकर, अगर दिल्ली सरकार या भारत सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो? हमारी आगामी योजना ये है, अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान भी देंगे। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज बेटियां सड़क पर बैठी हैं, तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि हमारी जो है ICDS की डायरेक्टर, मुख्यमंत्री बस यही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर असल जिंदगी में ना कोई बेटी बचाता है ना पढ़ाता है। पढ़ाकर जब ये यहाँ पर हमें रोड पर लेके आते हैं तो ऐसे में बेटी बचा के क्या करोगे? बेटी को बचाओ पढ़ाओ, मगर उनको सुरक्षित भी तो रखो। आज हमारी क्या जिंदगी है? क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो पढ़ाने से फ़ायदा क्या, जब हमें रोड पे ही बैठना है या हमें घर पे ही बैठना है? हम 7 साल नौकरी करने के बाद हमारे अंदर काबिलियत थी, शायद इसी बेस पे हमें नौकरी दी गई थी, और हमने 7 साल पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी करी। उसके बाद आज हमें यहाँ बिठा दिया गया, और हमारी डायरेक्टर जो खुद एक महिला हैं, उन्होंने ही हमें कह दिया कि हाँ हम 400 भर्तियाँ नहीं करेंगे, तुम्हें हटा देंगे। क्या यही उनका फ़र्ज है? क्या हमारा देश, क्या हम भारत की बेटियाँ नहीं हैं? क्या हमें बचाने का उनका कोई हक नहीं है? क्या हमारी स्थिति क्या होगी? क्या हमारा ये गलत है कि हम अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं? यहाँ पे जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर हैं, कुछ ऐसी महिला है, केवल एक उनके रोजगार से ही पूरा उनका घर चलता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कैसे हम बेटियों को बचाएंगे या अपने बच्चों को पढ़ाएंगे जब हमारी नौकरी ही नहीं रहेगी? हम दिल्ली सरकार से बस हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हमें हमारी नौकरी से ना हटाया जाए, बस हमें नौकरी पर रखा जाए। चाहे जो भी वेतन हमें वो देते हैं, उसी वेतन से हमें दाल रोटी मिलती है।